अल्लाह डिस्टोट असम वरह वर्का डेस्ट आज हम ग्रेड सिक्स के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज थ्री फॉन्ट एट हल करेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम है डर स्टूडेंट मैंने जो है ना इसके जो अहम पॉइंट्स थे वो नोट किए हैं ठीक है जब भी आपको क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट का लफ्ज़ नजर आ जाए तो ये सी एफ है अगर लीस्ट का जो है ना आपको वर्ड नज़र आए तो ये हमारे पास क्या है एल अब हम एच सी एफ़ और एल सी एम अपनी मर्जी से जो है ना वो निकालेंगे क्योंकि इन्होंने हमें मेथड नहीं बताया कि आपने कौन सा यूज़ करना है लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एच सी एफ को फाइंड आउट करने के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो कि हमने एक पिछली एक्सरसाइज में किया था हम यहाँ से फो दो बड़े नंबर लेंगे और एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे ये नंबर मैंने लिए ठीक है अब यहाँ पर मैं वन से करूँगा थ्री नाइन्टी ठीक है ये फाइव आ जाएगा और ये वन फिफ्टीन इसको यहाँ पर लेते हैं थ्री नाइन्टी अब अगर ये बड़ा नंबर है ठीक है तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना है फिफ्टीन सॉरी फिफ्टीन टू जार थर्टी ठीक है नाइन ज़ीरो और फिर हमने क्या करना है इसको सिक्स के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है सिक्स के साथ सिक्स फाइव हज़ार थर्टी सिक्स वन हज़ार सिक्स ये हमारे पास आ जाएगा नाइन्थी ठीक है मैंने इसको क्यों किया क्योंकि इस तरह क्यों किया क्योंकि ये नंबर जो है ना बड़ा है इससे अगर मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ ना तो फिर ये मसला बन जाएगा जब यहाँ पर बड़ा नंबर आ जाए तो आपने इसको दोबारा डिवाइड करना है ये हमारे पास ए सफ है अब हम लेते हैं थ्री हंड्रेड फिफ्टीन और फिफ्टीन से जो है ना इसको ट्राई करते ओके फिफ्टीन टू ज़ार थर्टी ठीक है वन फाइफ एंड फिफ्टीन वन जार फिफ्टीन तो हमारे पास एच सी एफ़ जो है डियर स्टूडेंट वो है 15 अब यहाँ पर आते हैं इसको भी इसी मेथड से जो है ना हम हल करेंगे अगर आप डिविज़िबिलिटी रूल में बहुत अच्छे हैं ठीक है ना तो आप इसको इस तरीके से भी एच सी एफ़ जो है ना इसका फाइंड आउट कर सकते हैं यू आर एफ यू आर वेरी गुड इन डिविजिबिलिटी रूल और आप कुछ सेवन का वगैरह सब का डिविजिबिलिटी रूल पता है फाइव से लेते हैं फाइव नाइन ज़ार एंड फाइव वन ज़ार फाइव फ़ाइव टू ज़ार टेन फाइव वन जार फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव फाइव वन जार फाइव फाइव एट ज़ार फोर अब यहाँ पर हम देखते हैं ठीक है ये थ्री 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 इसमें कामन है थ्री थ्री ज़ार नाइन ना� ठीक है एंड थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन थ्री सिक्स ज़ार एटीन तो हमारे पास यहाँ और कामन इसमें नहीं है सब में कामन नहीं है ठीक है तो हमारे पास एच सी एफ ये आ गया ठीक है एच सी एफ एज फिफ्टीन अगर आप इसको ट्राई करते हैं इस मेथड पर तो आंसर सेम आएगा ठीक है एल सी एम है यहाँ पर तो हम वो डिवीजन वाला तरीका यूज़ करेंगे इससे हम एच सी एफ एल सी एम दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है पाइप से लेते हैं फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव फाइव सिक्स जार थर्टी फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव फाइव टेन जार एंड फाइव हमारे पास है एटीन जार ठीक है अब क्या करेंगे थ्री को लेते हैं फाइव को लिखिए आप थ्री टू जार थ्री थ्री जार एंड टेन थ्री सिक्स जार अब हम किस चीज़ को लेते हैं फाइव को फाइव वन हज़ार फाइव टू अपनी जगह आपने लिखना है क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा अभी यहाँ पर टू को लेते हैं टू थ्री जर एंड आफ्टर देट थ्री वन जार थ्री ओके तो हमारे पास एल सी एम जो है डियर स्टूडेंट वह है फाइव मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री थ्री फाइव जार फिफ्टीन टू फाइव ज़ार टेन एंड थ्री ये हमारे पास आ जाएगा वन फिफ्टी मल्टीप्लाई थ्री थ्री ज़ीरो जार जीरो थ्री फाइव ज़ारो फिफ्टीन एंड डेट इज़ द फोर हंड्रेड फिफ्टी ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर ये भी एल सी एम है और मैंने क्वेश्चन uh, जो है नहीं लिखे हैं ठीक है क्वेश्चन मैंने नहीं लिख के तो मैं क्वेश्चन जो है ना वो लिखता हूँ जी स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन नंबर फोर को आप देखिए तो लिस्ट नंबर आ गया इसमें लिस्ट नंबर है हमारे पास एल तो डिवीज़न वाला मेथड हम यूज़ करेंगे ठीक है थर्टी सिक्स एंड फोर्टी फाइव ओके okay, फाइव से स्टार्ट लेते हैं थ्री फाइव जार फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन को हम वापस लिखेंगे एटीन को भी वापस लिखेंगे थर्टी सिक्स को भी नाइन थ्री को लेते हैं थ्री थ्री नाइन ज़ार ट्वेल्व थ्री सिक्स जार थ्री ट्वेल्व जार थ्री थ्री ज़ार नाइन फिर थ्री को लेते हैं थ्री थ्री ज़ार नाइन थ्री टू ज़ार सिक्स थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व थ्री वन ज़ार थ्री फिर थ्री को लेते हैं ठीक है जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है थ्री पर वो हम वापस नीचे लिखेंगे टू को लेते हैं फिर टू को हम लेंगे तो हमारे पास एल स्टूडेंट्स ये आ गया ठीक है फाइव मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन एंड थ्री थ्री ज़ार नाइन मल्टीप्लाई टू टू ज़ार फोर नाइन फाइव जार फोर्टी फाइव फोर कैरी हो गया नाइन वन ज़ार नाइन तो थर्टीन मल्टीप्लाई फोर फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी टू के हो गया यहाँ पर फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व फोटीन वन के हो गया फोर वन जो फोर एंड फाइव ओके स्टूडेंट्स ये वाला नंबर हम इसको हम इस तरह करते हैं डिवीजन मेथड इस मेथड पर हम हल करेंगे ठीक है लेकिन इसमें एक आ, आ, मसला ये है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना चाहिए ठीक है फाइव से करेंगे फाइव वन जार फाइव फोर फाइव फाइव जर फोर्टी वन टू फाइव जर टेन ओके एंड फाइव वन जार फाइव फोर यहाँ पर आ जाएगा फाइव फाइव जार फोर्टी फोर फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव फाइव वन जार फाइव फोर फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव थ्री फाइव सिक्स जार थर्टी अब ये नंबर जो है डी स्टूडेंट इसको हम एक ही नंबर पर डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं ये इवन है ये इवन है टू फर डिवाइड हो रहा है ये जो है थ्री फर डिवाइड हो रहा है लेकिन ये थ्री फर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे हम सेवन की तरफ चलते हैं और सेवन का मेथड ये है फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नंबर को लूँ तो आपने इस तरह करना है कि ये लास्ट वाला जो डिजिट है इसको अलग करना है और दरमियान में माइनस लगाना है ठीक है और इसके साथ टू को मल्टीप्लाई करना है अब एटीन माइनस टू टू जर फोर एटीन से 4 फोर माइनस करें फोटीन तो इसका जो ये आंसर है ये सेवन फॉर डिवाइड हो रहा है ठीक है तो मतलब ये सेवन फॉर डिवाइड अब यही मेथड आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो आपको पता चल जाए कि 7 सेवन फॉर डिवाइड हो रहा है टू सेवन जार फोर्टीन यहाँ हमारे पास आ जाएगा फोर सेवन सिक्स जार फोर्टी टू ठीक है टू सेवन ज़ार फोरटीन यहाँ फोर आ जाएगा सेवन सेवन ज़ार फोरटीन नाइन टू सेवन जार फोरटीन ये हमारे पास आ जाएगा फिफ फाइव यहाँ पर एंड सेवन एट ज़ार फिफ्टी सिक्स अब हम यहाँ देखते हैं ठीक है ये टू फॉर डिवाइड हो रहा है लेकिन ये नहीं डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास एच सी एफ यही है आप इसको ट्राई करें ठीक है डिवीज़न मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर आपके पास जो है ना आंसर वो आएगा थर्टी फाइव ठीक है ओके एलसीएम चलते हैं इसकी तरफ फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव फाइव एट ज़ार फाइव सिक्स ज़ार थ्री थ्री जार नाइन एट थ्री टू जार थ्री वन जार थ्री एट टू एंड टू फोर ज़ार टू वन ज़ार टू टू जार टू वन जार एल सी एम आपका आएगा फाइव थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू ठीक है थ्री फाइव जार फिफ्टीन टू थ्री ज़ार सिक्स टू टू ज़ार फोर फाइव सिक्स हज़ार ये नाइन आ जाएगा फोर जीरो ज़ार जीरो नाइन फोर जार थर्टी सिक्स ये हमारे पास आ गया एल सी एम ठीक है लीस्ट नंबर तो आपको पता है मैंने अभी आपको बताया ये एल सी एम है तो वही मेथड हम यूज़ करेंगे टू टू सिक्स हज़ार टू ट्वेल्व हज़ार टू थर्टी हज़ार टू सेवन ज़ार टू टू हज़ार फिर हम टू तो को यूज़ करेंगे टू थ्री हज़ार टू सिक्स हज़ार टू फिफ्टीन ज़ार एंड टू थ्री ज़ार सिक्स टू थर्टी सिक्स ही आ गया थ्री टू फाइव इसको आप सिक्स से जो है ना इस ख़त्म कीजिए ठीक है क्योंकि अभी जो है ना हम इसमें स्किल हमने हासिल किया ठीक है अपने आसानी के लिए आप फिर इस तरह कर सकते हैं टू टू जार फोर टू थ्री जार सिक्स और ये हमारे पास थर्टी आ गया ठीक है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि आसानी आपके लिए बन जाए फोर जीरो ज़ार जीरो फोर एट ज़ार थर्टी टू थ्री के रोगे फोर वन ज़ार फोर एंड सौन ये हमारे पास है एच सी एफ ठीक है देखते हैं हम ट्राई करते हैं ये वाला मेथड ठीक है कभी कभी जो है ना वो बॉक्स से बाहर भी निकलना चाहिए मतलब एक ही मेथड जो है ना वो नहीं होता बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी फाइव टू ज़ार टेन ठीक है सेवन फाइव ज़ार एंड ज़ीरोइ नाइन जार फोर्टी फाइव एंड फाइव एट ज़ार फोर्टी अभी जो है ना डी स्टूडेंट अगर हम देखें तो सेवन पर ये डिवाइड हो रहा है ठीक है सेवन सिक्स हज़ार सेवन टेन ज़ार सेवन वन ज़ार सेवन फोर सेवन हज़ार ट्वेंटी एट अब ये टू फॉर डिवाइड हो रहे हैं टू थ्री जार टू फाइव जार एंड टू सेवन जार और इसमें कामन नहीं है तो हमारे पास एच सी एफ जो है डियर स्टूडेंट वो है फाइव मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई टू फाइव सेवन जार थर्टी फाइव मल्टीप्लाई टू एंड विच इज़ सेवेंटी ठीक है अगर आप इससे ये जीरो रिमूव करें ठीक है और इससे भी जीरो जीरो रिमूव करें तो हमारे पास ये ट्वेंटी वन रह जाएगा ये थर्टी फाइव ये फोर्टी नाइन जो के सेवेंटी पर डिवाइड हो रहा है ठीक है तो ये इसका अब यहाँ है एलसीएम ठीक है तो ट्वेंटी एट नाइन्टी एट एंड वन हंड्रेड फाइव ओके इसको हम आ, किस नंबर से जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे इसको टू टू वन जार टू टू फोर ज़ार टू फोर ज़ार टू नाइन ज़ार इसको आप छोड़िए ठीक है अब ये सेवन पर जो है ना वो डिवाइड हो रहा है किस चीज़ पर सेवन पर? सेवन टू ज़ार फोटीन सेवन सेवन हज़ार फोर्टी नाइन सेवन वन जार सेवन सेवन फाइव जार थर्टी फाइव ये टू पर। एल में हम सारे डिवाइड करेंगे और एच में सिर्फ कामन वाले अगर कामन ख़त्म हो जाए तो ये हमारा एच है अब यहाँ आप 15 वन और फिफ्टीन कर सकते हैं ठीक है थीके? क्योंकि लास्ट में सिर्फ 15 बचा है ठीक है ओके लेकिन अगर स्टूडेंट है तो आपने फिर थ्री और फाइव को जो है ना उसको फैक्ट्राइ फिफ्टीन से फैक्ट्राइज करना है टू सेवन हजार फोरटीन टू सेवन फोर्टीन एंड फिफ्टीन अब इसको हम क्या करेंगे फ़ोरटीन 14 फोर्टीन 4 फोर हज़ार सिक्सटीन एंड for 1 हज़ार फोर ओके 14 6 9 1 ये हमारे पास आएगा 15 ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे इस मल्टीप्लाई करेंगे 196 नाइन्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टीन फाइव सिक्स हज़ार थर्टी फाइव नाइन फोटी एट फोर फाइव एंड अगर मैं गलत हो जाऊँ डियर वीअर्स तो आपने मुझे माफ़ करना यार क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ फजर की नमाज पढ़ी है और फिर मैं लगा हुआ हूँ ठीक है और बहुत ज़्यादा तक गया हूँ ठीक है एटीन नाइनटीन एंड टू तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट टू नाइन फोर जीरो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ठीक है एल में लास्ट नंबर ओ माय गॉड. एच सी एफ एच सी एफ ओके स्टूडेंट इसको हम करेंगे ठीक है लॉन्ग डिवीजन पर क्योंकि ये वाले मेथड में जो है ना आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इसको हम लेते हैं डिवीज़न से 504 डिवाइड बाय 441 एंड वन से 441 थ्री आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा सिक्स ठीक है ये छोटा नंबर है ये बड़ा है तो आपने इसको यहाँ लाना अगर ये बड़ा है इससे आपने फर्दर इसको डिवाइड करना है ओके डी स्टूडेंट अगर हम क्या करें क्या करें क्या करें सेवन से इसको मल्टीप्लाई करें सेवन थ्री हज़ार ट्वेंटी वन टू क्या रहेगा सेवन सिक्स हज़ार फोर्टी टू एंड टू प्लस करने से फोर्टी फोर ये हो गया थर्टी सिक्स को आप लें इस नंबर को इस पर और डिवाइड करें ठीक है थ्री हंड्रेड फिफ्टीन डिवाइड बाई सिक्सटी थ्री ओके फाइव से करें फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन वन केरी हो गया एंड फाइव सिक्स हज़ार थर्टी एंड आफ्टर दैट थर्टी वन ये बन जाएगा ये आप लाई और ये नंबर डिवाइड करें फाइव टू एंड सिक्सटी थ्री ठीक है अब हम क्या करेंगे फोर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें फोर थ्री हज़ार ट्वेल्व वन केरी हो गया फोर फाइव फोर सिक्स हज़ार ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव तो हमारे पास रिक्वायर्ड एच सी जो है ना वो यही 63 डियर स्टूडेंट आपने अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी जो है ना फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स प्लीज़ थैंक यू असल वरि व